हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। ब्रह्मास्त्र का ओपनिंग बहुत ही अच्छा होने वाला है, सभी को सरप्राइज करेगा इसका ओपनिंग। और जो ऑडियंस है ना, सिंगल स्क्रीन्स वाली या फिर मल्टीप्लेक्स में जो जाके टिकट खरीदते हैं टिकट काउंटर पे, वो बहुत ज़्यादा पहुँचने वाले हैं। और एडवांस बुकिंग तकरीबन 13.5 करोड़ के आसपास है और कल तक ये फिल्म 14 करोड़ के आसपास इसका एडवांस हो जाएगा। PVR ने 1 लाख से ज़्यादा दोस्तों टिकट बेचे हैं वीकेंड में, और आइनॉक्स ने 1,25,000 टिकट बेचे हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं दोस्तों कि सिलेक्टेड थिएटर इतने ज़्यादा टिकट बेच दिया है, और जब सिंगल स्क्रीन्स में ऑडियंस पहुंचेगी, क्योंकि स्पॉट बुकिंग भी दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में। आज भी लोग एडवांस बुकिंग बहुत कम करते हैं, थिएटर जाके टिकट खरीदते हैं। और 6.5 करोड़ का एडवांस था भूल भुलैया 2 का, और इस फिल्म ने 14 करोड़ का बिजनेस किया, यानी डबल से भी ज़्यादा फिल्म ने बिजनेस किया। स्पॉट बुकिंग ज़्यादा हुई, तो अगर इसका डबल से ज़्यादा होगा तो 30 करोड़ तो वैसा ही हो गया। अगर 14.5 करोड़ 15 करोड़ का एडवांस होगा और डबल मान के चले हम, तो 30 करोड़ की ओपनिंग हुई। अगर ज़्यादा ऑडियंस पहुँच गई, अगर इसका रिव्यू अच्छा आया, वर्ड ऑफ माउथ अच्छे हुए, तो ये 35 करोड़ भी पहुँच सकती है। यानी सब कुछ डिपेंड है दोस्तों, जो ऑडियंस है ना, जो थिएटर जाके टिकट लेती है, कितने तादाद में पहुंचती है। और एक बार ओपनिंग लग गई ना 35 करोड़ का, 32-35 करोड़ का, उसके बाद समझें कि एक बड़ी फिल्म का ओपनिंग लगना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद सेकेंड डे, थर्ड डे फिल्म अपने किस्मत से बिजनेस करेगी दोस्तों। फिल्म में कितना दम होगा, फिल्म का कॉन्टेंट कैसा है, वो सेकेंड डे से डिसाइड होता है। लेकिन पहले दिन अगर अच्छा ओपनिंग लग जाए ना, तो सब कुछ अच्छा होने लगता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। और हम उम्मीद करेंगे ये फिल्म 35 करोड़ के आसपास बिजनेस करें। 30 करोड़ से कम नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको ये 100% कह रहा हूँ। और 35 करोड़ भी ये हो सकता है। आप दोस्तों ये हैरान ना होना अगर ये फिल्म 40 करोड़ का भी ओपनिंग ले ले, क्योंकि KGF चैप्टर 2 के बाद ना ये सेकेंड नंबर पर आ गया है एडवांस बुकिंग के मामले में। तो आप देखते रहें FF न्यूज़, जो भी जानकारी होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा एडवांस बुकिंग रिलेटेड, या इस फिल्म का पहला रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू, और पहले दिन का बॉक्स ऑफिस के बारे में भी हम बात करेंगे। आप लोग चैनल को देखते रहें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।